जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रुके हुए वेतन और पेंशन की मांग को लेकर दिल्ली के नगर निगम कर्मचारियों ने आज रोहिणी के एमसीडी ऑफिस के बाहर कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। इस विरोध प्रदर्शन में सफाई कर्मचारी से लेकर स्वास्थ्य कर्मी, शिक्षक, अभियंता व अन्य कर्मचारी शामिल थे। आपको बता दें कि नगर निगम के कर्मचारियों को कई महीनों से सैलरी नहीं मिल रही है, जिस वजह से नगर निगम के सभी कर्मचारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सैलरी ना मिलने की वजह से उनकी जीविका नहीं चल पा रही है। आपको ये भी बता दें कि इस विरोध प्रदर्शन में सीएम केजरीवाल और मेयर का भी पुतला फूंका गया। केजरीवाल का पुतला जलाकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर केजरीवाल मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। आदरणीय सभी मेरे एमसीडी विभाग के अधिकारीगण, मजदूरगण, सभी साथियों, महिला शक्ति, देखिए जब से 2015 से केजरीवाल मुख्यमंत्री बने हैं तो हमें बार बार लड़ाई लड़कर सैलरी के लिए, एरियर के लिए या पक्का करने के लिए 95% वोट बाल्मीकि समाज ने दी, मजदूरों ने दी, लेकिन आज ये मजदूर चार चार पांच पांच महीने से रोड पर है। आदरणीय साथियों, मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, नहीं चाहिए हमने बिजली फ्री, नहीं चाहिए हमने पानी फ्री, नहीं चाहिए हमने बसों में महिलाओं के लिए किराया फ्री। ये जितनी भी औरत हमारी खड़ी है डिपार्टमेंट के एमसीडी की, एक भी हाथ उठा के दे दे कि हम टिकट लेने में असमर्थ है, एक भी कह दे कि हम टिकट लेने में असमर्थ है। हमें सैलरी चाहिए अपने पेट भरने के लिए, हम बिजली का बिल भी देंगे और पानी का बिल भी देंगे, बस में किराए भी देंगे, लेकिन फ्री हमें कुछ नहीं चाहिए दोस्तों। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी से रिठाला विधानसभा से नेता प्रदीप मित्तल ने बताया कि केजरीवाल सरकार द्वारा एमसीडी को 938 करोड़ की सैलरी राशि दे दी जा चुकी है, पर वहीं नगर निगम कर्मचारी हड़ताल पर बैठ गए हैं और ये कह रहे हैं कि हमें केजरीवाल की कोई फ्री सुविधा नहीं चाहिए, हमें तो बस हमारा वेतन चाहिए। केजरीवाल सरकार ने तो 938 करोड़ की राशि एमसीडी को रिलीज कर दी है, पर इन कर्मचारियों तक वो राशि अब तक शायद नहीं पहुंच पाई है।